Hi everyone, today I'm driving Kia Sonet STK Plus and this is a petrol variant. So today I'll share the driving experience of this car. शायद मैं पहले चला चुका हूँ तो आज फिर से बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा नई चीज़ें ऐड हुई हैं. STK Plus है, अराउंड 10-10.5 लाख की ये गाड़ी पड़ी थी ओनर को, दोस्त की है. तो चलो, ऑल फॉर पावर विंडोज़ है और ये टच स्क्रीन आती है अच्छी खासी. ये एक मैनुअल IRVM है जिसमें आपको ब्रेजा अपनी दिख रही होगी. अब इस गाड़ी में 1.2 लीटर का इंजन आता है. इंजन स्पेसिफिकेशंस आपके सामने डिस्प्ले पे मिल जाएंगी. अब ये हुई चीज़ ऑन पेपर की बात. कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे 1.2 लीटर पेट्रोल, वो मैंने बता दिया. 211 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, अराउंड 393 और 396 इतना कुछ बूट स्पेस गाड़ी में आता है. अब इस गाड़ी के बारे में जो मेरा मानना है वो चीज़ मैं शेयर करता हूँ. मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, गाड़ी साइज के हिसाब से किस कैटेगरी में आते हैं. इट कम्स इन अ सब कॉम्पैक्ट SUV, ठीक है, जिसमें ब्रेजा, नेक्सॉन और XUV300, वेन्यू, ये सब आती हैं. अब वेन्यू एंड सोनेट में ये है कि इन दोनों में ही 1.2 लीटर का इंजन आता है. अब गाड़ी के साइज के हिसाब से डीजल तो ठीक है, दैट इज 1.5 लीटर, लेकिन पेट्रोल में ऐसा है कि इट्स 1.2, तो मेरे हिसाब से इट्स लैगी. जिसको आराम से गाड़ी, प्यारी गाड़ी चलानी है, माइलेज अच्छी खासी निकालनी है, उसके लिए ठीक है, ठीक है, गाड़ी बहुत ही अच्छी है उसके लिए. और जिसको फीचर्स बहुत चाहिए, तो कंपनीज क्या कर रही हैं, एक तो ये गाड़ी भी ज़्यादा महंगी नहीं है. क्यों महंगी नहीं है? क्योंकि गाड़ी का इंजन 1.2 लीटर का है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंपनी को टैक्सेशन में मदद मिली है. गाड़ी का इंजन पे ज़्यादा टैक्स नहीं पड़ा, तो कंपनी ने क्या किया, वो पैसे फीचर्स में डाल दिए, ठीक है. तो गाड़ी का इंजन जो है उसमें पैसे बचाए कंपनी, और वो पैसे आपको फीचर्स में डाल दिए, तो ये चीज़ अच्छी करी. लेकिन जो इंजन है वो इतना पैपी नहीं है इस गाड़ी का, जैसे बाकी गाड़ियों में क्या कर रहा है कि 1.5 लीटर का इंजन आ रहा है. जैसे अगर XUV300 की बात करें तो उसमें आता है, और ब्रेजा में आता है, तो इनमें 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इनसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ियाँ हैं, ठीक है. हॉर्न अच्छे हैं गाड़ी के. चलो, मैं यही देख रहा था ठीक से चला रहा है कि नहीं. तो इस गाड़ी में जो एक थोड़ी दिक्कत ये है कि बस गाड़ी साइज के हिसाब से इतना पैपी इंजन नहीं है. डीजल इंजन बहुत बढ़िया गाड़ी का, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टॉर्क है, ठीक है. अब बाकी बातें करेंगे. क्लच बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि यू नो, आप ये मान लो कि ह्यूंडई की सिस्टर है, उसी का पार्ट है एक. तो जैसे ह्यूंडई कुछ जीन्स है, जो जेनेटिक्स है, वो इसमें एज इट इज़ आ गए हैं. जैसे एक ब्रेक बहुत सॉफ्ट है, ब्रेक मैं वैसे चलो लगा के दिखा दूंगा. एक्सेलेटर बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ है, और क्लच बहुत सॉफ्ट है. डेड पेडल भी अच्छा खासा है. ये जो साउंड है थोड़ी बहुत, ये जो लगा है ना यहाँ पे, ये खिलौना नहीं है, मतलब जो भी चीज़ है यहाँ पे उसकी वजह से है. अब इस गाड़ी में मुझे छोटी सी दिक्कत ये लगती है कि स्पेसियस नहीं है. ये जैसा पार्ट देखोगे ना, यहाँ से लेके ये जो हिस्सा, यहाँ से लेके विंडशील्ड बहुत ही नज़दीक है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई छोटी गाड़ी चला रहे हो. मतलब बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा ही लगता है कि थोड़ा सा स्पेसियस है. ये वाला डोर भी थोड़ा नज़दीक है, तो इसमें 5 लोग आराम से नहीं बैठ पाते हैं. अब वो बात है, मेरे जैसे लीन है तो आराम से बैठ जाओगे, लेकिन वैसे नहीं बैठ सकते यार. ये चीज़ तो जो सोनेट ओनर है वो खुद बोलेंगे कि गाड़ी बाहर से जितनी बल्कि दिखाई देती है ना, जितनी सुंदर दिखाई देती है, वो चीज़ तो मैं अग्री करता हूँ कि गाड़ी बाहर से बहुत ही क्लासी दिखती है. इनफैक्ट इस सेगमेंट में मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी लुक्स हैं गाड़ी की, सोनेट की, मेरे हिसाब से ओवरऑल लुक्स जो इसका जो कैटेगरी उसको कैरी करती है. ब्रेजा है, XUV300 है, सोनेट है, ये गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं बाहर से. सोनेट जिनमें मुझे सबसे अच्छी लगती है. गाड़ी की लाइट्स बहुत अच्छी हैं. सोनेट और ब्रेजा के LED वीडियोस का कंपैरिजन भी था, उसका लिंक ऊपर है, जाकर देख लेना. अब इस गाड़ी का जो है AC भी अच्छा है. एक ये चीज़ अच्छी है, ये थोड़ा हाइट पर है तो रीच अच्छी, ऐसा नहीं कि ऐसे साइड में होकर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. गियर सॉफ्ट है, स्लॉटिंग बहुत अच्छी है. मीटर यार, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, बहुत ही बढ़िया है ना. जैसे मैं कहता हूँ कि कंपनी ने पैसे फीचर्स में डाल दिए, तो उससे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें चुनकर दी हैं. जैसे इसमें AC वेंट्स है पीछे हैं, जैसे अभी काम के नहीं है तो मैं बंद कर दूँ, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा, छोड़ो. मीटर बहुत अच्छा है, लेफ्ट में आपको टैकोमीटर मिलता है, राइट में आपको फ्यूल एंड जो टेम्परेचर गेज है वो है, इधर स्पीड अच्छी खासी डिजिटल दिखाई देती है, तो मीटर काफ़ी हद तक डिजिटल है. बस बीच का जो है वो जो साइड का है वो एनालॉग है.
गियर की स्लॉटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस सोनेट का मुझे एक ही डाउट था कि स्पेसियस नहीं है, प्लस इंजन गाड़ी के हिसाब का नहीं है। इसमें अगर 1.5 लीटर का पेट्रोल अगर दिया जाता है तो अच्छा होता। हाँ, वो टर्बो वाला है, छोटा इंजन है, वो मैं मानता हूँ, 1 लीटर का जो है 81 80 क्रॉस्ड। बाकी कंफर्ट ठीक है, सीट्स छोटी हैं थोड़ी सी, ये वाला जो हिस्सा है थाइज अच्छे से नहीं आते यहाँ पे। बाकी ये वाला जो एरिया है ये भी थोड़ा कम है विंडशील्ड का, और इससे अग्री करोगे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें मैंने मेज़र का जो है ऑब्जर्व करी हैं, चलो उसका मैं क्या बताऊँगा, आप क्या ही समझोगे, सोचोगे यार बड़ा चढ़ा के बता रहा है। विंडशील्ड का ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बिल्कुल ये जो हिस्सा है, यहाँ से कभी गाड़ी को धीरे धीरे चला कर देखना, ऐसे लगेगा वो मिरर में से चीज़ें निकल रही हैं, ग्लास में से चीज़ें निकल रही हैं। काफ़ी बार रेयर व्यू मिरर होते हैं गाड़ियों के, उनमें से ऑब्जेक्ट निकलते हुए रोड चलता हुआ दिखता है ना नीचे से, ऐसे निकलता हुआ, तो ये जो नीचे है इस एज जो है विंडशील्ड की, इसमें वो चीज़ दिखाई देती है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है अगर ध्यान दोगे उस पर, अदरवाइज कोई नहीं चीज़ पता लगने वाली, कोई नहीं पता लगा पाएगा। वो तो मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, ये चीज़ मैंने पहले की ऑब्जर्व करी हुई इस गाड़ी के अंदर कि हाँ इसके विंडशील्ड में ऐसा थोड़ा है नीचे की तरफ, और ए पिलर जो इसके हैं थोड़े से थिन ही है, ज्यादा वाइड नहीं है, ठीक है। ये पट पट ब्रेक बाइट है, देखेंगे ब्रेक लगा के, ठीक है। अब थोड़ा सा गाड़ी खींच के और एनवीएच लेवल की बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही साइलेंट गाड़ी है ना, आपको एक सेकेंड, टायर नॉइज भी नहीं है, विंड नॉइज नहीं है, इंजन नॉइज भी नहीं है, दैट मीन्स एनवीएच लेवल नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस गाड़ी की अच्छी है। तो आपको बाहर की नॉइज इस गाड़ी में नहीं मिलने वाली है, एक ये चीज़ है, मैं पॉजिटिव चीज़ें चलो आपको सामने कंक्लूड कर देता हूँ। एनवीएस शानदार है गाड़ी के, और स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है, और फ्लैट बॉटम तो नहीं है ये, प्रॉपर इसमें नहीं आता, शायद वो एसटीएक्स में आता होगा। और एक जो एबीसी पेडल्स है वो बहुत स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है विद प्रॉपर गैप इन बिटवीन, और गियर में कोई वाइब्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, स्लॉटिंग बहुत अच्छी है, हैंड ब्रेक अच्छा है, हालांकि यस अब आया है, मैं ये देख रहा था कि हैंड ब्रेक लगते ही तुरंत साउंड क्यों नहीं आती जैसे अपनी में आती है, इसमें थोड़ा सा अब आई है, जैसे एक या दो सेकंड रुकने के बाद आई है, चलो वो मैं कोई कमी नहीं बता रहा, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। और मिरर अच्छे खासे हैं, अच्छे स्टाइलिश हैं। सोनेट में बस यही है, 1.5 लीटर इंजन बहुत पैपी है, मैंने चला रखी है, उसके साथ भी कंपैरिजन किया था, उस वीडियो का लिंक भी ऊपर है, जितने भी वीडियोज हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं, जाकर 1x1 देख लेना, ठीक है। अब इसका एक मैं ब्रेकिंग टेस्ट कर लूँगा। सोनेट की सबसे अच्छी बात है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 211 mm। नेक्स्ट वन का इसके बाद आता है 209 mm, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है सोनेट के बारे में। दूसरा इसके हैं लुक्स, जो कि बहुत कम गाड़ियाँ मैच कर पा रही हैं, खासकर इसके सेगमेंट की भी मान लो, क्योंकि सारी चीज़ें प्रीमियम दी गई हैं गाड़ी में, इंटीरियर मान लो, एक्सटीरियर मान लो, बहुत ही चीज़ें अच्छी हैं। छोटा सा जो एक दो नुकसान थे वो यही थे, नुकसान क्या मतलब थोड़ा सा डाउन साइड में मान लूँ, एक तो इंजन अगर 1.5 लीटर होता तो अच्छा होता, प्लस इंटीरियर थोड़ा सा स्पेसियस नहीं है, गाड़ी के एक्सटीरियर को जस्टिफाई नहीं करता है, जस्टिफाई दैट मीन्स जितना गाड़ी बाहर से दिखती है जो माचो लुक है गाड़ी की, वो अंदर से उतना स्पेस नहीं दे पा रही, बस बाहर से बल्की कर दी गई है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ 3 स्टार, ग्लोबल एनकैप में से 3 स्टार मिले हैं। चलो मैं सोनेट के 80 पे ब्रेक टेस्ट कर लेता हूँ। किया सोनेट एसटीके प्लस 2021 ब्रेकिंग एट 80। ओ भाई साहब, ऐसे लगता है जैसे पीछे से उठ गई हो, ब्रेकिंग अच्छी है। एक काम करते हैं 100 पे देखते हैं। स्मूथ तो है यार गाड़ी, नो डाउट स्मूथ है, अच्छे यार ब्रेक्स अच्छे हैं, और ज्यादा एबीएस की या टायर्स की साउंड भी नहीं है,
मैं इसे 100 पे लेके चलता हूँ, तब तक मैं बोल देता हूँ, किया सोनेट एसटीके प्लस 2021 मॉडल पेट्रोल ब्रेकिंग एट 100. किया सोनेट एसटीके प्लस 2021 मॉडल ब्रेकिंग एट 100. इम्प्रेसिव ब्रेकिंग, डिंट एक्सपेक्ट किस गाड़ी में इतनी अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी. ना बैलेंस लूज करती है, एकदम स्ट्रेट रुकती है, ना टायर इधर उधर जाते हैं. बोलोगे एबीएस में तो जाती नहीं है, कुछ कुछ चली जाती है. ब्रेक्स बहुत ही शानदार है किया सोनेट के, रियली इम्प्रेस्ड. चला वीडियो वाइंड अप करते हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, शेयर विद योर किया सोनेट ऑनर्स. और जो किया सोनेट ऑनर्स ये वीडियो देख रहे हैं, लेट मी नो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैंने आपको बताया, क्या सही बताए या गलत बताए. अगर अग्री करते हो कि नहीं करते हो, डिसअग्री करते हो तो बता देना. जो भी व्यूज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. थैंक यू सो मच.